दोस्तों, अगर आपने भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अर्थात इग्नू में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, पार्ट वन पार्ट टू जो भी सेमेस्टर हो, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट स्टेप बतलाने वाला हूँ, तरीका बतलाने वाला हूँ कि कैसे आप असाइनमेंट क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, सर्च करना है इग्नू। जैसे आप इग्नू सर्च करते हैं, टाइप करते हैं, उसके बाद www.ignu.ac.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू का, प्रेस कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट का, वहां से चेक आउट करके आप विजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आने से पहले आपको डेस्कटॉप साइड मोड में ले लेना है। इससे फ़ायदा यह होगा दोस्तों, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन में व्यू दिखेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट का, सेम प्रोसेस आपके मोबाइल में भी होगा, ठीक है। तो आप स्क्रॉल करते हुए डाउन आइए, तो यहाँ आपको मिलता है डाउनलोड का बटन, प्रेस कीजिए। तो जैसे प्रेस करते हैं, नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन आएगा। तो आपको डाउन आना है, आपको मिलता है असाइनमेंट का बटन, प्रेस कीजिए। असाइनमेंट वाले बटन को प्रेस जैसे करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि जितने सारे कोर्सेस प्रोवाइड करता है इग्नू, जैसे कि पीजी कोर्सेस, यूजी कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, जितने सारे कोर्सेस है, ठीक है, वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लिए हैं उसमें प्रेस कीजिए। जैसे कि मैं बीए का लिया हूँ एडमिशन, तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम को प्रेस करूँगा। तो जैसे प्रेस करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज सारा चीज़ यहाँ आ गया है दोस्तों। जैसे कि VDP/BA, CBCS/BAG, सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि मैं किस सेशन का स्टूडेंट हूँ। जुलाई सेशन 2022 का स्टूडेंट हूँ या जनवरी सेशन 2023 का स्टूडेंट हूँ, किस सेशन का हूँ। तो यह कंफर्म करने के लिए आपको एक एडमिशन अप्लीकेशन फॉर्म मिलता होगा। जब आप ऑनलाइन एडमिशन किए थे तो आपको एक रिसीविंग मिला होगा जहाँ पे किए थे। जैसे कि अगर आप किसी नज़दीकी साइबर कैफे के द्वारा किए हैं तो आपको एक रिसीविंग देता होगा, ठीक है, जैसे कि इस टाइप का रिसीविंग होगा। तो उसमें दोस्तों आपका सारा प्रोफाइल, जो पर्सनल डाटा रहता है, वो शो रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे, अपना PDF खोलेंगे, रिसीविंग देखेंगे केयरफुल्ली, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप किस सेशन का स्टूडेंट है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जब हम पेज 2 में आते हैं इस रिसीविंग का, तो यहाँ देखेंगे इग्नू 2022 जुलाई एडमिशन SP, मतलब स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो सकते हैं कि मैं 2022 जुलाई सेशन का स्टूडेंट हूँ, तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप जनवरी 2022 का स्टूडेंट है तो 2022 यहाँ जनवरी एडमिशन SP दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको बैक आ जाना है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे आप पहले थे। तो जैसे कि मैं दोस्तों जुलाई 2022 का स्टूडेंट हूँ के ऊपर प्रेस करूँगा, तो देख सकते हैं CBCS BA and BSc ANEH सेशन जुलाई 2022, सेशन जनवरी 2023, ठीक है। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ मैं बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आप इस URL को देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों सारा कुछ दिया गया है, bachelor degree/CBCS/BA 2022-23, मतलब सेशन 2022-23 जिस भी स्टूडेंट का सेशन है, ठीक है, BA। तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लुक करना चाहिए, आपको यहाँ कोर्स कोड देख लेना है, ठीक है। तो कोर्स कोड जैसे कि BEVAE 181, जैसे कि 8 कोर्स यहाँ दिया गया है, 8 कोर्स का ही आपको परीक्षा देना है और 8 कोर्स का ही आपको असाइनमेंट तैयार करना है। तो मैं आपको कोर्स कोड वाइज के द्वारा आपको क्वेश्चन डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों BEVAE 181 कोर्स कोड है, जैसे कि मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद बैक टू इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जहाँ आप पहले थे वहाँ मैं आ चुका हूँ। 3 डॉट को प्रेस करना है, स्क्रॉल करते हुए डाउन आना है, फाइंड इन पेज को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने अपना प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड यहां टाइप किया BEVAE, जो कि कोर्स कोड नंबर 1 में था। तो यहां पे जैसे मैंने डाला BEVAE 181, तो यह क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन का लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया है, तो आप ट्राई कीजिए दूसरा कोर्स कोड का। तो जैसे कि दोस्तों मैंने दूसरा कोर्स कोड का यहाँ प्रयोग किया BHDAE 182, जैसे कि मैंने टाइप किया BHDAE 182, तो आपको दोस्तों स्पेस देने से भूलना नहीं है, स्पेस दीजिएगा। जैसे कोर्स कोड टाइप करते हैं, जैसे कि BHDAE 182,
देते हैं तो आपका कोर्स कोड दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने टाइप किया तो इस कोर्स कोड का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आ चुका है BHDAE 182। प्रेस करूंगा और डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ मैं ड्राइव से एक्सेस दे दूंगा तो व्यू हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक उपाधि कार्यक्रम CBCS BAG सत्रीय कार्य देख सकते हैं जुलाई 2022 तथा जनवरी 2023 सत्र के दूसरे सेमेस्टर के लिए। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ आइडेंटिफाई हो जाइए कि यहाँ क्या कर रहा है सत्रीय कार्य में। जुलाई 2022 जो कि दोस्तों नया एडमिशन लिया है नया स्टूडेंट जुलाई 2022 में, और दोस्तों वे सभी स्टूडेंट जो जनवरी 2023 में एडमिशन लिए थे उनका यहाँ दूसरे सेमेस्टर का क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड ईयर का, तो इसके लिए भी सेम क्वेश्चन रहेगा। इस बात को आप समझिए 110%। तो आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन देख के आप आंसर कीजिए जो A4 साइज पेपर हो उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से आप दूसरा कोर्स कोड यहाँ देखिए अपना एडमिशन स्लिप में, जैसे कि BPSC 181 कॉपी करूँगा, फिर आऊँगा बैक टू क्रोम ब्राउज़र के इग्नू वाले होम पेज पे। जैसे मैंने आया 3 डॉट में प्रेस करा तो 3 डॉट में प्रेस करूँगा, उसके बाद फाइंड इन पेज में जाऊँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, स्पेस दूँगा, ठीक है, वो आ जाएगा, जैसे कि आ चुका है दोस्तों। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में डाउनलोड कीजिएगा या हिंदी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज का यहाँ लिंक दिया गया है तो मैं हिंदी लैंग्वेज का यहाँ टाइप करूँगा। तो जैसे कि BPSC जो मैंने टाइप किया वो हिंदी में डाउनलोड करूँगा तो हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से फाइनली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे विषय का जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोर्स कोड दिया गया है 1 से लेकर 8 तक, #1 से 8 तक दिया गया है। इस कोर्स कोड जैसे कि VEVE 181, BHDAE 182 आपका अलग अलग हो सकता है, आप किस ऑनर्स के लिए अप्लाई किए हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप इस कोर्स कोड का प्रयोग कीजिएगा, आप यहाँ से कोर्स कोड वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ होगा। अगर लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ साझा भी कीजिए, अगर आप नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर दोस्तों किसी भी तरह का डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की पूरी उम्मीद की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।